फिबोनाची की आपकी डिमांड के ऊपर एक और वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, जिसमें फिबो 30, 50 और सब कुछ लेंगे, और इसके कुछ कन्फ्यूजन है जिसके आपके पर आपके सवाल आए थे कमेंट में, तो उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। देखो, एक चेजिंग मार्केट के लिए किसी ने पूछा था कि चेजिंग मार्केट में फिबो 30 हम कैसे अप्लाई करेंगे, एक सवाल ये था। पिछले वीडियो में भी कमेंट आया था जिसमें सर फिबो 30, 50 पे विस्तार से वीडियो बनाएं, डीप नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। एक कहा था कि सर 30 ड्रॉ करने की प्रोसेस, ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है, तो इन पे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीकेंड में वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। तो अभी मैं वही वीडियो, अब मैं इसका आपको काफ़ी सिंपल कर देता हूँ, क्योंकि आप बना रहे हो हर जगह, तो उसको कहाँ नहीं बनाना है ये, और कहाँ बनाना है ये इंपॉर्टेंट, और कहाँ बनाने के बाद में क्या क्या व्यू लेते हैं। इसमें हम दो पार्ट में इसको देखेंगे। एक तो हमें जोन आइडेंटिफाई करना होता है, अगर मैं आपको सही से, हम इसमें एक काम करते हैं, मैं आपकी सुविधा के लिए पहले हम जोन आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, इसमें मैंने जोन आइडेंटिफाई करें, पहले आप इसमें सब में जोन देखो, जितना भी चार्ट आपको दिख रहा है नीचे से, यहाँ पे सब में जोन मार्क किए हुए हैं। तो पहले हम जोन की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से मार्केट लगातार गिर रहा गिर रहा, कोई जोन नहीं है तो कोई फिबो 30 लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ मार्केट ने जोन बनाया है तो हम जोन मार्क करेंगे, यहाँ मार्केट ने जोन बनाया हम जोन मार्क करेंगे, यहाँ मार्केट ने जोन बनाया, ये 5 मिनट का चार्ट है, जोन जो भी बने होंगे सब यहाँ मार्क हैं, जितने भी जोन मार्केट ने बनाए हैं वो मार्क हैं। अगर आपको इसे समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताना, ये जितने भी जोन इसमें बनाए। तो पहला काम हमारा होगा फिबो 30 के लिए जोन होना चाहिए। और जिसका सवाल था ना कि चेजिंग मार्केट में क्या करेंगे, चेजिंग मार्केट में जोन नहीं बनेंगे, स्टीप मार्केट जाता रहता है जाता रहता है, तो हम फिबो 30 अप्लाई नहीं करेंगे। जोन के बेसिस पे फिबो 30 अप्लाई होगा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। और फिबो 30 में कई सारी ट्रिक्स हैं, उससे कई सारे एक्सप्लेनेशन निकल के आते हैं। अभी पहला काम हमने जोन आइडेंटिफाई किया, वो आपने देख लिया। दूसरा काम, मैं इसमें फिबो 30 भी खोल देता हूँ। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पीछे हमने काफ़ी कुछ समझा, मैं 3 तारीख से लेके अभी तक का सब कुछ हम देख रहे हैं। अब यहाँ दो तीन तरह की चीज़ें हैं। देखो, फिबो 30 पार कर जाता है सीधा सीधा, अगर मार्केट आया, यहाँ जोन बनाया, फिबो 30 को सीधा पार कर गया, उसको हम फ्री पास बोलते थे। फ्री पास पे पूरा वीडियो बना हुआ, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फ्री पास बोलते हैं, उसका रिएक्शन अलग आता है। फिर जोन के आसपास आके मार्केट क्या करता है, देखो, एक जोन बनाया, मार्केट नीचे से आ रहा था और यहाँ पे बन गया फिबो 30, मार्केट आया, मार्केट यहाँ से टर्न हो गया। एक चीज़ तो ये हो गई, टर्निंग आ गई। एक वहाँ पे रुकने लग गया, उसको बोलते हैं टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, और वहां से अगर नीचे आ गया तो उसको बोलते हैं प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट। प्राइस वाइज में तो हमें पैसा मिल गया, टाइम वाइज में हम पजल रहे। तो ये वाला पोर्शन फिबो 30 के साथ देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट को वापस कंटिन्यूएशन की तरफ फेंक देता है, जिसमें ट्रैपिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो जहां भी ये TW लिखा आएगा वो टाइम वाइज है, जैसे कि यहाँ पे फिबो 30 था, ये जोन बना था, हमने फिबो 30, अभी देखो फिबो 30 के एक्सप्लेनेशन में हर चीज में पार्ट टू पार्ट ले रहे हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने एक जोन को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने इस जोन के बेसिस पे ट्रेवल का फिबो 30 लगाया। अभी आप देखो, ये है अपना फिबो 30, अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी सेटिंग में 0 और 1 ऑन करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ का फिबो 30 है, क्लियर। अगर देखो ऐसे करके देखेंगे ना तो ये यहाँ से यहाँ का फिबो 30 है। तो कहाँ से कहाँ का लिया, ये बॉटम जोन यहां बना है तो जोन से हमने ये अप्लाई कर दिया फिबो 30। हर जगह सिर्फ आपको ये एक ही लाइन दिखाई देगी, इसकी सेटिंग भी आप फोटो लेके कर सकते हैं, -0.3 का लेवल है, जो काफी वीडियो में मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। ये चीजें रहेंगी, वापस मैं टेम्पलेट 30 का रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से हमने फिबो 30 बनाया, इस फिबो 30 ने एग्जैक्टली मार्केट को आके यहाँ पे रिएक्ट किया और रुकने लग गया, रुकने लग गया, रुकने लग गया, नीचे नहीं जा रहा है, रुक रहा है, तो हम क्या बोलेंगे टाइम वाइज। ये कहीं ना कहीं मार्केट के बुलिश नेचर को ही इम्पेक्ट, मतलब वो कर रहा है कि आया है, एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद में एज ए प्रोटेक्शन रिएक्ट कर रहा है, बट मार्केट को जो एक हीट है बस उसको डाइजेस्ट कर रहा है, तो हम इसको टाइम वाइज बोलें, क्योंकि टाइम ही बिताया इसने और कुछ किया नहीं, पैसा नहीं दिया, तो ऐसे उसको दोबारा से ब्रेक कर दिया, दोबारा ब्रेक कर दिया, तो हमने इस लेवल से दोबारा हमने फिबो लगा लिया और हमारा फिबो 30 दोबारा आ गया। यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया लेकिन पिछले वाले का अभी भी हमें पैसा नहीं मिला, तो यहाँ से हमें एक व्यू मिला हुआ है, उसी व्यू में बुलिश हैं हम। यहाँ का जब ट्रेप आया तो हम ऐसे करके भी इस लेवल का फिबो 30 देखेंगे, और इसका जो हमें एक आइडिया मिला उस आइडिया से हम बाइंग साइड की ट्रेड कर जाएंगे। वैसे भी आप यहाँ पे इस लेवल में यहाँ ठहराव रहा हुआ है, तो एक फिबो ऐसे करके टॉप लेवल से लेके नीचे वाले लेवल का, देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन को लेके लगाओगे
तो आपको एग्जेक्टली ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो अभी इन तीनों में आपको क्या समझ में आया? पहली चीज, सबसे पहली चीज, आपने जोन को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे भी जोन बना है। तो ये जोन से आपका बॉटम पॉइंट, आपका टॉप पॉइंट पकड़ा और आपका फिबो 30 निकल के आ गया। यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए, बट मार्केट उसी प्लेस पे, आपको पैसा, आपका पैसा लॉस नहीं लग रहा, बट आपको वहाँ टाइम बिता रहा है। तो हम ये नोट कर लेंगे कि ये टाइम वाइज है, ये हमें एक हिंट देता है मार्केट बुलिश है। इसके बाद में मार्केट ने इस वेव में यहाँ पे फिर से जोन बनाया येलो बॉक्स, इसके लिए हमने 30 निकाला, हमने इसको ट्रेड किया, तो मार्केट ने इसका प्राइस वाइज दिया, लेकिन यहाँ से हमें हिंट मिला हुआ है अपर डायरेक्शन के लिए, तो हम इसका 30 बनाएंगे ना, तो वो अपर डायरेक्शन के लिए बेटर ट्रेड करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट बॉटम, ये पॉइंट टॉप मिलाया, हमारे पास नया फिबो 30 आ गया। इसकी समझ से हमने इसको ट्रेड किया, ये अच्छी ट्रेड मिली, अगले दिन बहुत बड़ा गैप अप मिल गया, हमें हिंट यहाँ मिला था। अगले दिन पे हम ट्रेड नहीं कर रहे, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। ये आपकी समझ, आपकी रिसर्च, आप उसको देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पे आपको फिर से बता दिया, मैंने जोन बताया उसके बेसिस पे, और रिएक्शन बताया उसके बेसिस पे क्या हो सकता है ये बताया, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट पे भी अप्लाई होती है, लेकिन समझाना मुझे पूरा वीक लेना होता तो 5 मिनट बेटर है। ठीक है, आपका कमेंट आएगा विस्तार से, अगर और वीडियो और 1 मिनट पे बनाने के लिए कहोगे तो हम वीडियो बना सकते हैं। मार्केट डायरेक्टली गिर रहा गिर रहा, कोई जोन नहीं, कोई फिबो 30 नहीं, जोन बनेगा फिबो 30 बनाएंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा ठहराव लिया था, कोई स्पेशल जोन नहीं, ये जोन बनाया, इसके बेसिस पे एक फिबो 30 बनाया, बट ये कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहता है। ठीक है, बट फिर भी वो रिएक्ट कर गया। इधर से हम मार्केट में फिर से ऊपर, मार्केट की जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी में हमें एक जोन तो मिल रहा है, बॉटम कोई ज्यादा बड़ा नहीं मिल रहा है, ट्रेवल इधर का था, यहाँ से हम ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ट्रेवल ऐसे था, बहुत ऊपर जा रखा, जोन नीचे, ऊपर से नीचे आते हुए बना हुआ, तो नीचे से कभी भी ऊपर नहीं, तो नीचे आते हुए हमें यही पॉइंट लो बना था, यही पॉइंट हाई बना था, हमारा फिबो ये डायरेक्टली मार्केट ने पास कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्री पास। तो हमारे पास क्या चीजें आई, फिबो 30 में एक टाइम वाइज आ गया और एक फ्री पास आ गया। ठीक है, जोन आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम इस पे हमने ये मार्क किया, तो ये फ्री पास, तो ये भी हमें बुलिश का ही कह रहा है, और ये भी हमें बुलिश ही कह रहा था, इसने तो काफी अच्छा बुलिश का मोमेंटम दे दिया। अब इसके बाद में इस लेवल से, इस लेवल का ये हमारा फिबो 50 आ गया, और अगर इसे छोटा सा जोन माने तो ये 30 मान सकते हो, बट ये कोई जोन सॉलिड नहीं है, हम नहीं मानते, बट मार्केट का ये ठहराव हम जरूर, यहाँ से हमने फिर फिबो ना लिया, और यहाँ से ये जो मोमेंटम आया ये ठहराव है, इस ठहराव में हमने फिर फिबो 30 को देखा। अब दोबारा से आपके लिए टाइम वाइज का टैगलाइन लग रही है, टाइम वाइज की टैगलाइन लग रही है, मार्केट ऊपर के लिए इशारा कर रहा है। यहाँ पे फिबो 30 आया और मार्केट ने इस पे इतना रिएक्ट ही नहीं किया कि आपको नीचे का पॉइंट दे, जैसे कि पिछली बार आपको नीचे का एक पॉइंट मिला था, अब की बार इतना फास्ट है मार्केट, वो पॉइंट ही नहीं दे रहा, और ब्रेकआउट दे रहा है, तो आपको या तो डिप मिलेगा या आपको यहाँ ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ब्रेकआउट बहुत बेहतरीन सक्सेस कर रहा है, चेजिंग मार्केट फाइंड आउट करके आप ट्रेड कर सकते हो उसको। तो इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, तो 2 बार हमें अच्छे इशारे मिले हैं बुलिश के, और दोनों चल रहे हैं। अब हमारे पास जोन आ रहा है, ये हमारे पास जोन आ रहा है, इस जोन में ये ओपनिंग वाली कैंडल है ना, उसको थोड़ा मेजर कम किया करो, ठीक है, वो गड़बड़ कर जाती है, तो आप या तो ये पॉइंट लो या ये पॉइंट मार्क करोगे तो बेटर होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मार्क मत करना, क्योंकि इसकी ओपनिंग कई बार आपका जो ब्रोकर उस पर अलग आएगी, इस पर अलग आएगी, तो पहली कैंडल में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो हमारा जो मोमेंटम है इस वाले के लिए, जर्नी जहां से स्टार्ट हुई, अगर जर्नी का 9:15 की कैंडल पहले गई हो तो आप वहां से ले सकते हो, वैसे इसकी तो ओपनिंग यही थी, तो ये हमारा बॉटम है। तो हम अगर हम देखते हैं, तो ये बॉटम वाला पॉइंट लिया, ये हमारा इधर का देखो ये वाला पॉइंट लिया मैंने, वो पॉइंट नहीं लिया ना, और ये फिबो 30 आपके पास आ गया है, और फिबो 30 ने आपको एक दोबारा से ट्रेड दे दी, बिल्कुल मजबूत ट्रेड, एक कैंडल की, काफी अच्छा मार्केट ने यहाँ पैसा दिया। फिर मार्केट का एक जोन बना है, बट मार्केट का नीचे जाने का नहीं हुआ, तो हम ऊपर ट्रेड कर पाते, मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल गया, तो इस जोन का कोई यूज नहीं आया, इस जोन से ऊपर का भी कोई यूज नहीं आया, क्योंकि ओपनिंग कैंडल है। फिर आगे बढ़ेंगे, नया जोन हमने फाइंड आउट किया, बट ऊपर नहीं गया तो नो यूज, नीचे की साइड में आ रहा है और फ्री पास मिल रहा, तो नीचे की जर्नी स्ट्रोंग हो गई। दोबारा से फिर आगे हम फाइंड आउट करेंगे फिबो 30, तो ये फिबो 30 हमें इसके बेसिस पे ऊपर मिलेगा, जोन हमारा ये आइडेंटिफाई हुआ। अब ये ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग कैंडल से कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, वो गड़बड़ कर देता है, ओपनिंग कैंडल को छोड़ दो, मार्केट नीचे आ गया, अब नया हमारे पास लो ये आ गया, नया लो नए दिन का, तो ये लो मार्क करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पे मैंने
एक सेकेंड, सारी ड्राइंग मिटा देता हूँ। आप इस फिबो 30 को देखोगे, मैंने ये लो मार्क किया है, देखो ये क्यों लिया, ये क्योंकि नया दिन बीच में ओपनिंग हो गया और नई, तो इस जर्नी में आपको ये फिबो 30 मिल गया, जोन मिल गया, यहाँ से पूरा पूरा टर्निंग मिल गया, ठीक है। आगे आप जोन ढूंढोगे, ये जोन है छोटा जोन, यहाँ से एक चाल है, तो हम चाल को कहाँ से लेंगे, क्योंकि नए डे की ओपनिंग है, यहाँ से लेंगे, ये वाला एरिया ब्रेक किया फिबो 30 मिल गया, फिर ये वाला एरिया ब्रेक है फिबो 30 मिल गया, इस फिबो 30 से मार्केट ने टर्निंग दी, इस फिबो 30 से मार्केट ने टर्निंग दी, इसके बाद में मार्केट में जोन नहीं मिल रहा है, फिर भी इसी बेसिस पे हम फिबो 30 निकाल रहे हैं, तो ये एरिया मार्केट को रोक रहा है, जोन मिल रहा है, बट मार्केट इसके आगे निकले। अभी देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट, अगर हम मार्क किया नहीं मैंने, मार्क कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट अपना हाई और ये पॉइंट अपना लो, तो हम क्या मार्क कर रहे हैं, मार्केट अपने फिबो 30 पे वापस आ गया, ठीक है। बट अभी रनिंग मार्केट नहीं, नई कैंडल को हम डायरेक्टली नहीं देखेंगे। फिबो 30 में जो चीजें हैं वो मैंने आपको विस्तार से बताई, आपको और कुछ जानना हो, अभी देखो वीडियो एंड होने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको दिखा देता हूँ, वो देख लो, अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। अभी हम इनको हाइड कर देते हैं जो नए बने हैं, इन दोनों को उठा के फिबो 30 में डाल देते हैं, फिबो 30 को हटा देते हैं, जोन को हटा देते हैं। आपके कमेंट होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर कमेंट नहीं होते हैं तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। डे इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको विस्तार से वीडियो चाहिएगा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। ये डे इंश्योरेंस आया, नीचे की जस्ट क्लोजिंग स्विच 5 मिनट का, और एक बढ़िया ट्रेड आपको मिल गई। इससे पीछे के डे इंश्योरेंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ कई कई दिन से ये बनते हैं, जैसे यहाँ पे डे इंश्योरेंस बना था, ये आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया गया था, मार्केट नीचे गया, आप अगर लगाओगे इस एरिया से इस एरिया का तो ये फिबो 30 होगा। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ लगा के, ये एरिया हमारा टॉप रहा है और ये हमारा बॉटम रहा, इससे पहले भी कोई टॉप रहा है कि नहीं, तो हमारा ये फिबो 30 एरिया होगा, ठीक है। और इसी के आसपास पहली क्रॉसिंग ये भी, और आपको एक बढ़िया बेहतरीन बहुत अच्छी चाल पूरे दिन की मिल गई। इससे पहले अगर हम डे इंश्योरेंस देखते हैं तो यहाँ पे डे इंश्योरेंस थी, क्लोजिंग करी मार्केट में एक बेहतरीन ऊपर की चाल मिली, इससे पहले ये ऊपर की डे इंश्योरेंस है, क्लोजिंग करी मार्केट की बेहतरीन चाल मिल गई। ऐसे करके डे इंश्योरेंस भी काफी अच्छे काम करते हैं, अगर आप कहोगे तो हम इस पे कमेंट आपके अच्छे रहेंगे तो हम इस पे एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे। जब रेड होती है तो बहुत बेहतरीन नीचे की चाल देती है, ठीक है। अब क्या रहता है इसके पीछे का पूरा लॉजिक, आप पहले तो ये वीडियो बताओ कैसा लगा फिबो 30 पे, अगर आपको इस पे और कुछ चाहिए तो जरूर कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि वीडियो क्या बनाना है। दूसरा, आपको डे इंश्योरेंस पे और पूरा विस्तार से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, हम वो भी बनाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।